सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन आई एम वेलकम यू। आज हम करेंगे साइंस का असर्शन एंड रीजनिंग का दूसरा पार्ट। तो असर्शन का मतलब होता है आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और रीजन में उसी स्टेटमेंट का रीजन यहाँ पे नीचे दिया जाएगा। आपको ये बताना है कि असर्शन सही है कि नहीं, या फिर रीजन सही है कि नहीं, या फिर असर्शन का जो भी करेक्ट रीजन होगा वो ये होगा या फिर नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल के जरिए साफ समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी ये भी आपका बढ़ेगा। तो असर्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी में जो करंट है ये रुक जाता है, स्टॉप, और कंडक्टिविटी में करंट जो है वो फ्लो होता है। तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी को तो कम होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही और रीजन भी सही। लेकिन यहाँ पे असर्शन में जो हमको पूछा है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीजनिंग नहीं होगा। असर्शन में हमको जो पूछा है ये रीजन वाला स्टेटमेंट, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बात एकदम क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम जाएंगे। टू बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट व्हेन दे आर ब्रट नियर टू ईच अदर विथ सेम पोल। तो आपको असर्शन में दिया है कि आप यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है और यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ और ये नॉर्थ, यहाँ पर सेम पोल है। तो ये पूछा है कि यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सेम पोल तो अट्रैक्ट नहीं करते। तो इसका जो असर्शन है ये बिल्कुल गलत है। और रीजन में क्या दिया है ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम। रीजन में दिया है अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। रीजन में दिया है अनलाइक पोल्स, मान लो ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो अट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका अट्रैक्शन तो यहाँ पे होगा। तो रीजन जो है, रीजन बिल्कुल सही है, ठीक है, जो रीजन है ये बिल्कुल सही। तो इसका मतलब असर्शन रॉन्ग एंड रीजनिंग राइट। तो हमारा जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, ठीक है, असर्शन रॉन्ग एंड रीजनिंग इज राइट। बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। असर्शन में दिया है प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिशियन। जो प्लाज्मोडियम होता है ये मल्टीपल फिशियन से रिप्रोड्यूस करता है, बात बिल्कुल सही है। और रीजन दिया है मल्टीपल फिशियन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीजन नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने हिसाब से सही और ये स्टेटमेंट अपने हिसाब में सही, तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ए करेक्ट, आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
ठीक है, एकदम समझ में आया? तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन में दिया है, टू डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज एडेड टू द एसिड स्लोली। असर्शन में ये आपको दिया है कि हम क्या करते हैं, हम एसिड में ऐड करते हैं वाटर, हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। हम वाटर में ऐड करते हैं एसिड को, ठीक है, ये सही होता। अगर ऐसा दिया होता तो ये सही होता, लेकिन इसने दिया है कि हम एसिड में वाटर को हम ऐड करते हैं, तो इसका जो असर्शन हो गया ये गलत हो गया। तो रीजन में क्या दिया है, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसने दिया है कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हो तो इसमें बहुत सारा हीट रिलीज होता है। ये बात बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पर असर्शन आपका गलत है और रीजनिंग इसका सही। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सनलाइट रिचेस अस विदाउट डिस्पर्सन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट एंड नॉट एज इट्स कंपोनेंट। के अर्थ के ऊपर जब सनलाइट गिरता है, अर्थ के ऊपर जब भी सनलाइट गिरता है तो ये जो सनलाइट है ये डिस्पर्स नहीं होता, ये सीधा आके गिरता है। ये बात असर्शन इसका, ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमें सारे कलर के जो लाइट हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर एक साथ मिलके आते हैं और जिससे हमको वाइट कलर मिलता है। तो असर्शन इसका तो बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या दिया है, डिस्पर्सन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड हेंस वैक्यूम इज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। जो डिस्पर्सन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जैसे हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, कोई भी गिवन मीडियम हो, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डिफरेंट कलर के रिफ्रैक्टिव मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसके हिसाब से डिस्पर्सन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, बट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट। वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता जिससे रिफ्रैक्शन नहीं होता, टोटली नहीं होता। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यह भी होता है रिफ्रैक्शन। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट यह भी होता है रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे वैक्यूम में रिफ्रैक्शन नहीं होता, और सनलाइट में जो होता है सनलाइट ये हमारे एयर में भी ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं करता, ये सीधा आके वाइट कलर से आके गिरता है अर्थ पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही, और असर्शन का जो करेक्ट एक्सपेंशन है वो आर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। देखो प्लांट दो तरह के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये तो यूनिक हो गया ना, तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल करेक्ट। ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ट्रिपल को छोड़ दो, फ्यूजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। फ्यूजन का मतलब होता है कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है ये दोनों कंबाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन कहते हैं।
और ये फ्यूजन कहाँ पे होगा, ये फ्यूजन होगा एंजियोस्पर्म में होगा, जिम्नोस्पर्म में थोड़ी ना होगा, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में होगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का केस तो बहुत ही डिफरेंट है, और जिम्नोस्पर्म तो ज़्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो गैमेट नहीं है। अगर गैमेट होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते, गैमेट नहीं है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया या फिर होगा, लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन कहाँ से आ गया भाई, फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। तो इसका मतलब जो असर्शन बिल्कुल सही और जो रीजन है ये बिल्कुल ही गलत है। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्जिकल मेथड्स आर मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर कंट्रासेप्शन। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उसमें एक सर्जिकल मेथड होता है जिसपे आपका वासेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है। वासेक्टोमी में हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को हम काट के ब्लॉक कर देते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में फालोपियन ट्यूब को हम काट के वहाँ पर ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते और जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो असर्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग में दिया है सर्जिकल मेथड ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड हेंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड से जो गैमेट हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही और असर्शन का करेक्ट रीजन भी आर है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया।